सो हेलो एवरीवन, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये आया कैसे, ये पूरा ड्राइव करना मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया कैसे। ओके, तो पहले देखो हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ये हमारा रहेगा टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दो मासेज हैं। मान लो कोई भी, हमने ये देखा है कि कोई भी मासेज है, कोई भी बॉडी है यूनिवर्स में, जो भी बॉडी है वो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, उनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ओके, तो जैसे मान लो ये दो मासेज है, ये हो गया M1 और ये M2। ठीक है, और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आर ले लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है आर। ये मास M1 और ये M2। ठीक है, और जो इनके बीच में फोर्स लगेगा, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक हो गया, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे डी लिख दिया मैंने, चलो डिस्टेंस को डी से देख लेते, कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस को आर से भी लिखते हैं, डी से भी लिखते हैं। ठीक हो गया, क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये, अगर हम इन दोनों को अच्छे से यहाँ पे लिखे तो क्या हो गया, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ठीक है, फोर्स क्या हो गया, मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस की स्क्वायर के, इसको एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये क्या लिखा है, ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कॉन्स्टेंट आ जाता है। हम ग्रेविटेशन पढ़ते हो, क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो फोर्स इज, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और क्या लगाया, इक्वल टू का साइन लगाया, तो एक कॉन्स्टेंट आ गया जी। ठीक है, M1 M2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको निकालना है, ये जो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू हम कहीं पर भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, पहले हम इसको निकालेंगे। ठीक है, हमने इसको क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो क्या आ जाएगा, FD² इज इक्वल्स टू GM1 M2। क्लियर, ये हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए जी की, तो क्या कहा, क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, आप इसके बाद समझ जाना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, जो जी की वैल्यू आ जाएगी क्या होगा, जी इज इक्वल्स टू FD² अपॉन M1 M2। तो ये हमारा आ गया ग्रेविटेशन लॉ, सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है ये आ गई, जी इज इक्वल्स टू FD² अपॉन M1 M2। क्लियर, इसके बाद देखते हैं ये जी यूनिट होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है इसकी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ऐसा यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। और इसकी वैल्यू अगर इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 6.67 × 10⁻¹¹। ये बेसिक्स की बातें थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, जो आपको आनी ही आनी चाहिए। अगर 9th में ले ले या 11th में ले ले, दो जगह पे ये चैप्टर है, और शायद 10th में भी है और छोटी क्लास में भी हो, तो जो इतना है ये पोर्शन, ये आपका आता ही आता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये जरूर आता है, ये ड्राइव करने को आता है, कैसे आया ये भी आता है। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से, एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और इसको रिवाइज करना है।